बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माई कुकिंग चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, अल्लाह का शुक्र है मैं भी ठीक हूँ। आप लोग जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, आप हंसते बसते खिलते फूलते रहें। तो इसी दुआ के साथ आज की ज़बरदस्ती रेसिपी शुरू करते हैं। बहुत ज़बरदस्त है और हैवी ब्रेकफास्ट के हवाले से, और इतना परफेक्ट ब्रेकफास्ट है कि आप लोग सारा घर उसे इंजॉय कर सकता है और बहुत ही मज़े की है। आप लोग देखेंगे तो आप लोग लाजमी इंजॉय करेंगे और इसे ट्राई करेंगे। तो चलते हैं, देखते हैं रेसिपी। तो मैंने ना ये मूलियाँ ली हैं, दो अदद मूलियाँ थी जिनको मैंने ग्रेट करके इस तरह किया है, बारीक साइड से किया है ग्रेट, और आपने इसको पीसना नहीं है। तो आप स्टेप बाय स्टेप रेसिपी देखें। तो मैंने इस तरह इनको कर लिया, ये एक प्याली बन गई है। तो उसके बाद मैंने एक और प्याली ली है। क्या करना है, इनको उठाना है ऐसे करके, इस तरह करके आपने ले लेना है मूलियों को जो ग्रेट की हुई हैं, इनको ना यूं निचोड़ देना है, मतलब इसका एक्स्ट्रा पानी निकल जाए। को आपने ये करना है कि आपने इसको कूटना नहीं है, मतलब बारीक पीसना नहीं है, सिर्फ ग्रेट करना है जी। तो जितना पानी हो सकता है आपने निकाल लेना है। ये इस तरह करके ड्राई हो गई हैं, तो इसी तरह बाकियों को भी कर लेती हूँ। जब तक ये मैं एक काम करती हूँ, आप लोगों से वही रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करें जी। तो ये देख रहे हैं किस तरह ड्राई लग रही है। इसमें मैंने ये डालना है, एक चम्मच है सब्ज धनिया कटा हुआ, इसी तरह एक चम्मच ही पालक बनती है कटी हुई, और मेथी और पुदीना भी एक चम्मच है। तो ये मैं सारी चीज़ें इसमें डाल देती हूँ। बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है, आप लोगों ने इसी तरह बनानी है। सारी चीज़ें अवेलेबल होती हैं, ये मौसम ही ऐसा है कि इसमें आपको ऐसी चीज़ें मिल जाएंगी। उसके अलावा आधा टमाटर है बारीक कटा हुआ है, वो भी डाल देती हूँ। तीन अदद सब्ज़ मिर्चें हैं, वो भी डाल देती हूँ। एक प्याज है बारीक चॉप किया हुआ। कोई चीज़ भी मैं इसमें पीस के नहीं डाल रही, तो आप लोगों ने भी बिल्कुल ऐसे ही करना है, कोई चीज़ भी पिसी हुई नहीं डालनी जी। तो अब ड्राई मसालों की बारी है, जिसमें मैंने लिया है नमक हसबे ज़रूरत, सुर्ख मिर्च है बारीक कुटी हुई है ये एक चम्मच है, सूखा धनिया आधा चम्मच है पाउडर है, और साबित सूखा धनिया एक चम्मच है, हल्दी एक चुटकी है, और काली मिर्च आधा चम्मच है। ये सारी चीज़ें मैं इसके अंदर डाल देती हूँ। मुख्तसर से मिसाले हैं, घर में आम यूज़ होते हैं, कोई एक्स्ट्रा नहीं है। और ज़बरदस्ती रेसिपी तैयार करने के लिए ये मैं इसके अंदर मिसाले डाल दिए मैंने सारे। अब इनको कर लेते हैं मिक्स जी। इसमें मैं इसको अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी। मैंने किसी चीज़ को पीसा नहीं है, सारा कुछ ग्रेट किया हुआ है। आप लोगों ने भी इसी तरह लेना है, बार बार बता रही हूँ कि ग्रेट की भी चीज़ का टेस्ट अपना होता है जी। तो मसाला रेडी हो चुका है, अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाते हैं। तो इसको मैं साइड पे करती हूँ जी। तो एक प्लेट ली है, उसमें मैंने आम गेहूँ का आटा गूंथ के रख दिया था आधे घंटे पहले। तो मैं उसके छोटे छोटे पेड़े रेडी कर लेती हूँ, इस तरह इतने साइज में, या आप इससे छोटे रखना चाहते हैं तो वो भी रख सकते हैं। तो इसी तरह 5 से 6 पेड़े बना लूँगी जी। तो सब चीज़ें रेडी हो गई हैं, 6 पेड़े बना लिए हैं। अब आगे इनके अंदर फिलिंग करनी है, तो फिलिंग करने के लिए चलते हैं जी। तो ये मसाला जो रेडी किया था मूली का, इसमें से मैं आधा ले लेती हूँ एक अलग बर्तन में। उसके बाद मेरे पास ये मेल्टेड बटर है, इसको मैंने शामिल करना है, ये 1.5 चम्मच इसमें मैंने ये शामिल किया है। तो इसी तरह आपने ना जितना मसाला यूज़ करना है ना एक रोटी में फिलिंग के लिए, उतना अलग ले लेना है, और उसमें बटर या घी जो भी आप यूज़ करें वो शामिल कर दें। उसके बाद एक पेड़ा लेंगे, उसको इस तरह करके ना फैला लेंगे, ज़्यादा नहीं फैलाना कि आपने बिल्कुल पतली रोटी कर देनी है, बस इतना चपटा कर देना है कि वो मतलब पेड़े को थोड़ा सा फ्लैट होना चाहिए, बिल्कुल ही पतली रोटी नहीं बनानी चाहिए, नहीं तो वो फिर सही मसाला एडजस्ट नहीं होता। इसी तरह मैं दूसरे को भी ले लूँगी, उसको भी इसी तरह कर लेंगे। थोड़ा सा खुश्क आटा लगा के मैंने दोनों को रख लिया है। अब इसके अंदर फिलिंग करनी है, वो जिसमें मैंने बटर डाला था वो मसाला लेना है आपने। तो इसको रखते जाएंगे इसमें, जी। तो आप देख रहे हैं हर चीज़ अलग अलग नज़र आ रही है। मैंने इसको ग्रेट किया था, पीसा नहीं है, तो अब मैं इसके साथ दूसरे के कवर कर देती हूँ। अब मुझे इन पराठों के अंदर, इन रोटियों के अंदर कोई एक्स्ट्रा घी वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं है, वही घी काम आएगा जो मैं इसके अंदर डाल चुकी हूँ। तो साइडें कवर कर देंगे इसी तरह, इसको पहले उल्टा करेंगे, दूसरी साइड से भी कवर करेंगे
हल्के हाथ से प्रेस करते जाएंगे, जो इसके अंदर हवा भरी है, मतलब जब इसको बंद करते हैं तो अंदर एक्स्ट्रा हवा रह जाती है, तो वो खारिज हो जाए। फिर ये होगा कि फटती नहीं है, तो इस तरह प्रेस करते जाएंगे। ये प्रोफेसर जी, तो मैं इस तरह हल्के हल्के हाथ से इसको फैलाती जा रही हूँ, हल्के हाथ से आपने पुश करना है। तो अब मैं इसे थोड़ा सा डस्ट कर लेती हूँ इसी तरह। ये देखें, आराम से बेलना है आपने, एकदम ही दबा के नहीं बेलना जी। तो तवा गर्म हो चुका है, मैं उसके ऊपर ये डाल देती हूँ। आराम से डालनी है आपने इसको, ज़रा मोटा रखना पड़ता है क्योंकि इसके अंदर मिसाला है, तो इसे आपने ज़्यादा बारीक नहीं करना जी। तो अब एक साइड पे हल्का हल्का बटर लगा देते हैं। ये आहिस्ता आहिस्ता पक रही है, आँच हल्की है, तो मैं दूसरी साइड पे भी बटर लगा रही हूँ। तो बटर से ये होता है कि इसका टेस्ट ज़बरदस्त हो जाता है, बहुत मज़ा आता है। और वही मैं दोबारा कह रही हूँ, जिनको नहीं पसंद ये सब्ज़ी, वो भी इसको शौक से खाएंगे। अगर आपको इसका सालन अच्छा नहीं लगता तो आप इसको इस तरह पराठों के अंदर या दूसरी तरह बना के खा सकते हैं, मतलब खुश्क रोटी में भी डाल के, यानी आप इसके ऊपर घी वगैरह ना लगाएं। लेकिन मॉर्निंग टाइम में पराठे पसंद किए जाते हैं। तो अब मैं इसको हल्का हल्का इसमें फ्राई करती रहती हूँ, थोड़ा सा हिलाती हूँ, तो ये अच्छी तरह पक जाएगी जी। तो पराठा रेडी हो चुका है, बहुत जल्दी तैयार हो जाता है और बहुत ही मज़े का है। इसमें एक्स्ट्रा मुशक्क़त की भी ज़रूरत नहीं है कि आप लोग पहले मसाला फ्राई करें और फिर इसको रेडी करें। ये खाने के लिए रेडी है, और इसके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है, आपने इसका ज़बरदस्त सा ग्रीन रायता बना के रखना है। ये इसके साथ बहुत मज़े की लगती है, साथ एक कप चाय हो तो इसका मज़ा ही दुबाला हो जाता है। उम्मीद करती हूँ ये आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी, और आप लोग इसको ट्राई करेंगे और कमेंट्स बॉक्स में बताएंगे कि ये मेरा मेथड आपको कैसा लगा, और आप लोग इसे ज़रूर इंजॉय करें। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए, अपनी दुआओं में याद रखिए, अपना ढेरों ख्याल रखिए, अपने घर वालों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।